हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो आई एम अलीशा एंड आई एम योर स्टोरी टेलर ऑफ द डे. सो हमने स्टोरीज पढ़ी फ्रॉम 101 पंचतंत्र स्टोरीज में से. हाउ मेनी स्टोरीज वी हैव रेड, बताओ. यस, वी हैव रेड टोटल 9 स्टोरीज. सो आज हम पढ़ेंगे 10th स्टोरी. देखते हैं क्या है वो न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द डे ड्रीमर. डे ड्रीमर मीन्स जो दिन में ख्वाब लेता रहता है बस, पर कुछ काम नहीं करता. वंस अ लेजी मैन हंग हिज पॉट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट. एक बार पुराने जमानों में क्या होता था, पुराने जमानों में जब हमारे पास फ्रिज नहीं होता थे तो हमारे दादा दादी जी या हमारे नाना नानी जी क्या करते थे, एक पॉट में दही या मक्खन रख कर उसे लटका देते थे. ऐसे ही जो ये मैन था ये बहुत ही लेजी था. लेजी मीन्स आलसी. इसने क्या किया, इसने ऐसे ही एक पॉट में मिल्क डालकर उसे रस्सी से बांध दिया एंड स्टार्टेड टू ड्रीम अबाउट इट, और एक ड्रीम ख्वाब सोचने लगा. विद दिस पॉट ऑफ मिल्क आई शैल मेक सम कर्ड. मैं इस पॉट की हेल्प से, जो उसमें मिल्क है उसकी हेल्प से कर्ड बना सकता हूँ, ये वो सोच रहा था. देन आई सेल दैट कर्ड एंड बाय मोर कर्ड. तब मैं उस कर्ड को बेच सकता हूँ एक बहुत ही अच्छे दाम पर और उससे और भी ज्यादा कर्ड खरीद सकता हूँ. देन आई सेल दैट कर्ड एंड बाय मोर कर्ड. देन आई सेल दैट कर्ड. कर्ड मीन्स दही. उस जो वो लेजी मैन था उसने सोचा कि मैं उस मिल्क से दही बनाऊंगा और उसे अच्छे दाम पर बेचकर और भी ज्यादा कर्ड खरीद लूंगा. Then I'll churn the curd and make butter. Churn means फेंटना. जब आपकी मम्मा घर में दही की लस्सी बनाती है, कुछ बनाती है, तो उसको पहले फेंटती हैं, तभी वो लस्सी या बटर मक्खन निकल कर आता है. तो उसने सोचा कि मैं उस curd की हेल्प से उसे अच्छे से churn करूँगा और उसे एक बटर बनाऊँगा. Then I'll sell that butter and make lots of money. तो मैं उस बटर को बेचकर और भी ज़्यादा पैसे ताकि मैं कमा सकूँ. With that money, I'll buy elephant. उसे बेचकर मैं buy करूँगा एक elephant. Elephant means हाथी. So, उसने सोचा कि पहले मैं curd से butter बनाऊँगा, उसे बेचूँगा और उसे बेचकर फिर मैं एक elephant buy करूँगा. I'll then sell the elephant and buy lots of gold and jewelry. फिर उसके mind में thought आया कि उस elephant की help से जब मैं उसे बेचूँगा तो मेरे पास और भी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तब मैं उनसे गोल्ड और ज्वेलरी हीरे ज्वारात खरीदूंगा. आई विल मैरी अ वेल्दी मर्चेंट डॉटर. मर्चेंट मीन्स व्यापारी. जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं हम उन्हें बोलते हैं मर्चेंट. फिर उसके माइंड में जो एक और नेक्स्ट थॉट आया वो था कि जब मैं हीरे ज्वारात मीन्स गोल्ड एंड ज्वेलरी जब मैं बाय कर लूंगा, उसके बाद मैं एक मर्चेंट डॉटर से मैरी करूंगा, मीन्स शादी कर लूंगा. देन ही विल हैव अ सन. उसके बाद उसने सोचा कि फिर हमारा एक लड़का होगा, बेटा होगा. बट वट इफ माई सन इज वेरी नोटी. पर तब क्या होगा जब मेरा बेटा नोटी होगा. नोटी मीन्स शरारती. वट इफ ही डजेंट लिसन टू मी. और तब क्या होगा जब वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगा. ये सभी थॉट्स वो अपने ड्रीम में सोच रहा था. बट इन डूइंग सो ही किक्ड द पॉट ऑफ मिल्क अबव हिज हेड. ये सोचते सोचते उसने नींद में ही एक लात मारी, जो पॉट था उसको लात मारी और जो उसके अंदर मिल्क था वो सारा का सारा उसके सिर पर आकर गिर गया. ऑल द मिल्क फेल ओवर हिम. द मैन वोक अप ओनली टू रियलाइज इट वॉज हिज ड्रीम एंड नाउ ही हैड नो मिल्क. जब वो सो रहा था, जब उसने उस पॉट को किक किया तो सारा का सारा मिल्क उसके सिर पर गिर गया. वो गिरने से उसकी नींद ऑटोमेटिकली ओपन हो गई. तब उसको रियलाइज हुआ कि ये तो मैं सपना देख रहा था, ये हकीकत नहीं है. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट ड्रीम ऑफ समथिंग दैट यू आर लेजी टू डू इन रियल लाइफ. हमें वैसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए जिनमें हम बहुत ही आलसी हों, जो हम पूरे कर ना पाए. हमें वही ख्वाब देखने चाहिए जो हम पूरे कर सकते हों और हमें उन्हें पूरा करने का एक विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, उसके टूवर्ड्स हम डेडिकेटेड हों. हमें वही ड्रीम्स देखनी चाहिए और पूरी करनी चाहिए. सो नाउ आई एम अलीशा साइनिंग आउट फ्रॉम 101 पंचतंत्र स्टोरी. होप यू लाइक दिस स्टोरी. टिल देन बाय एंड टेक.